आई एम वेरी टेम्प्टेड टू आस्क के आपके जो लिटरली अमेरिकन मूवी स्टार वाले दांत नहीं होते, मेरे ख्याल से आप वाहिद एक्टर हैं जिनके इतने हसीन सफेद चमकते हुए दांत हैं। नहीं, वो इस वजह से कि मैंने अभी रिसेंटली साफ करवाए। नहीं, लेकिन बहुत से लोग साफ करवाते हैं लेकिन इस तरह नहीं चमकते उनके दांत। नहीं, शायद इस वजह से कि मैंने कल परसों साफ कराए। अच्छा, फिर तो बहुत ही रिसेंट, दैट हैज बीन गुड टाइमिंग। अभी मेरे हफ्ते दो बाद मिलेगा, जितनी मैं कॉफी पीता हूं जब नॉर्मल हो जाएगा कॉफी पी पी के, ठीक है। अच्छा, कभी इरादा है जिंदगी में क्लीन शेवन होने का? नहीं जी, मैं एक दफा मैंने क्लीन शेव की थी अ व्हाइल बैक। ओके, तो जब आपकी अपनी सगी माँ आपको क्लीन शेव की हालत में देख के आपको ऑलमोस्ट डिसओन कर दे, तो मेरे ख्याल उसके बाद आपको क्लीन शेव नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आई वुड टेक माय मदर्स एडवाइस एंड इट्स बीन 8 years, 7 years सिंस आई हैवंट क्लीन शेव। And I think मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा कभी। नहीं काटोगे? मैं बहुत ही, मेरे ख्याल से बुरा लगता हूँ दाढ़ी के बगैर। One of those faces जो दाढ़ी के बगैर बहुत अजीब से लगता है। कुछ ज़्यादा smooth। और ये मेरी अपनी अपनी सगी वालदा का feedback है, so I should believe it। तो you should go for it। हाँ, सही बात है। हर माँ को अपना बच्चा जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। लगता है, और लेकिन जब वो माँ कहे कि पुत्र एक ही कीता तू, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सही है। हाँ, ठीक है, फिर तो ठीक है। अच्छा, तुमने किसी इंटरव्यू में कहा था कि तुम्हें कभी भी सही तरह से प्यार नहीं हुआ है किसी से। इस बात में सच्चाई है that you've never really been in love? 100% सच्चाई है। वो जो एक स्टोरी सुनती हैं कि मुझे प्यार हो गया था, फिर इश्क में नाकामी हो गई, ब्रेकअप हो गया, मैं शादी करना चाहता था उससे, मुझे अभी तक नहीं हुआ। तो मैं, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है शेयर करने के लिए कि मेरा भी दिल टूटा था, मैं भी रोया था, तो उस तरह की अभी तक तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बात को बिलीव करती हो, क्योंकि ज्यादातर मेरे जितने भी दोस्त हैं बंदे या बड़े कजन्स वगैरह भी जो हैं, वो कहते हैं कि बंदों में और बंदियों में एक फर्क है कि बंदियां जो हैं वो हमेशा एक एनालाइज करेंगी, देखेंगी कि ये बंदा मेरी फैमिली के साथ कैसा है, ये कैसा है, मेरी दोस्तों के साथ कैसा है, मेरा ख्याल रखेगा, ब्ला ब्ला। बंदों के साथ इट्स इंस्टिंक्टिव। लाइक हैज दिस हैपेंड विद योर फ्रेंड्स कि मिलेंगे किसी से उनको फौरन पता होगा कि ये ही बंदी बिल्कुल है। लेकिन अक्सर वो बड़ा गलत होता है। जिनकी शादी इस बात पे कि यार मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, जस्ट ऑन द फिजिकल लुक्स यू एंड अप गेटिंग मैरिड टू द पर्सन एंड यू डोंट रियलाइज कि शादी इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है। अच्छा, कोई फनी मुझे इंसिडेंट बताओ तुम्हारे साथ जैसे हुआ हो कि आई मीन यू आर इनक्रेडिबली गुड लुकिंग एंड यू नो दैट, बट ये तो मसला हुआ होगा ना तुम्हारे साथ, हुआ होगा कि लड़कियां तुम्हें अप्रोच करती होंगी इवन बिफोर यू आर हमजा अली अब्बासी। नहीं, जो मुझे अभी तक याद है ना, वो है कि जो मुझे जिंदगी में पहली दफा एक बंदी बड़ी पसंद आई थी, खातून, और वो आई वाज आई थिंक इन फिफ्थ ग्रेड, तो आर्मी पब्लिक मुल्तान की बात है। तो मैंने, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, मुझे अच्छी लगती थी तो, और मैं बहुत मोटा होता था, बहुत मोटा होता था। मैं अब देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं, लेकिन मसला ये कि मैं अपने आप को बहुत हैंडसम समझता था, मोटा था, स्पाइक्स थे मेरे, और तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से जाके मैंने फूल लिया है। ओए क्यूट, आई नो, आई वुड नेवर डू दैट नाउ। मैंने फूल लिया और मैंने जाके उसको फूल दिया, मैंने कहा कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी टोल्ड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स कि यार यू नो व्हाट हैपेंड, आई वाज नोन एज द क्यूट मोटा किड, राइट? यार मुझे दुख बड़ा हुआ, लेकिन उस वक्त हार्ट ब्रेकिंग था, और मजे की बात उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हंस क्यों रही है, बिकॉज टू माई सेल्फ आई वॉज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, राइट? लेकिन फिर अब हंसी आती है जब मैं देखता हूँ कि बड़ी हिम्मत थी मेरे अंदर। एज मच कॉन्फिडेंस आई हैव, आई एम वेरी गुड विद टॉकिंग विद वुमेन, एट वन पॉइंट इन टाइम आई वॉज इवन गुड इन फ्लर्टिंग विद वुमेन, बट अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फूल दे दूं।